बागपत जनपद की सबसे बुजुर्ग महिला से मिलकर डॉक्टर सत्यपाल सांसद ने आशीर्वाद लिया और लोगों से घर के बुजुर्गों की सेवा करने की अपील की है। सांसद ने कहा कि बड़े बुजुर्ग हमारे घरों और संस्कृति की धरोहर हैं, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए और इसलिए आज वो जनपद बागपत की 114 वर्षीय बुजुर्ग महिला से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। डॉक्टर सतपाल सिंह के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। दरअसल 114 वर्षीय बूढ़ी महिला का नाम बलदेवी है, जो कि बीजेपी नेता और हिंद केसरी पहलवान सुभाष पहलवान की दादी है। हाँ जी, आदरणीय सांसद जी को पता लगा जब मेरी दादी लगभग 115 साल के लगभग है, तो उन्होंने तभी मेरे को कहा कि मैं जरूर चलूँगा उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और ये हमारे यशस्वी सांसद जी का प्रयास रहता है जी के कोई भी क्षेत्र में विशेष हो, जो अधिक उम्र का हो, 100 से ऊपर साल हो, तो जरूर वहाँ पहुँचते हैं आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। इसी तरह कोई भी खिलाड़ी हो, अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसको भी अपना आशीर्वाद देने पहुँचते हैं। और हमारे सांसद जी का एक प्रयास रहता है कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति जीवित रहे और वो किसी जिस रूप में भी वो जीवित रहे, उसी रूप में उनका प्रयास होता है कि इसी तरह अपना सहयोग देते रहे। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारी दादी जी को के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने और अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यशस्वी सांसद जी हमारे घर में आए और हम सबको दादी जी का आशीर्वाद लिया और हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। देखिए, मुझे बहुत देर में इस बात का मालूम चला जो हमारे एशिया के चैंपियन सुभाष पहलवान जी ने बताया कि उनकी दादी 114 वर्ष की है। मैंने अपने क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के बाहर भी जहाँ के मुझे मालूम चलता है कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष हो, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर है, उनका दर्शन करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और उनके पैर छू कर के मैं उनका आशीर्वाद लेने का कोशिश करता हूँ। और मुझे इस बात में बड़ा विश्वास है कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद निश्चित रूप से काम करता है। देखिए, कुछ बातें दुनिया में दिखाई देती, कुछ दिखाई नहीं देती। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन प्रभावित करते हैं। ऐसे हवा से हम लोग सब जिंदा हैं, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन प्रभावित करती है। ऐसे बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी निश्चित रूप से काम करता है और इसीलिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए जी दादी बलदेवी, जिनकी उम्र लगभग 114 वर्ष है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर आया। उन्होंने बहुत दिल से मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं तो भगवान का ये एक प्रकार से उनकी कृपा समझता हूँ कि बड़े बूढ़ों का हम आशीर्वाद ले सकें, उनकी सेवा कर सकें। उसको लगता है कर्मों का फल आदमी को निश्चित रूप से मिलता है। ये सुभाष जी भी इस बात को कह रहे थे, मैं भी कहता हूँ, जो जैसा करता है वैसे बढ़ता है। अगर हम अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, जब हम लोग अपनी उम्र में आकर के बूढ़े हो जाएंगे, हमारी सेवा करने वाले भी लोग भी जो है परिवार में, परिवार के बाहर मिल जाएंगे।